Children, welcome to DS Andhra School, class 2nd, subject math, unit 2nd. कुछ pages अपने रह गए थे इस unit के, तो इसे इस unit को ही अपन continue करेंगे. Addition है, पहले अपन ने simple addition किए थे, अब अपन addition कर रहे हैं 2-digit numbers वाली, जो है carry. Carry over की है, जो हासिल लगाई जाती ऊपर, वो वाली है. Find the sum. अब आपके दे रखा है 2, 7, 4, 8, तो आपको 7 में 8 प्लस करना है. पहले आपको काउंट करना है, उसके बाद में जो भी है, जैसे आपका 7 में 8 प्लस हुआ, आपका ऐड किया आपने तो 15 आया. अब 15 का अपन ने 5 जो राइट साइड वाला जो नंबर है उसको अपन बॉक्स में लिखेंगे, और क्या, और 1 जो आया है वो कैरी ओवर होगा, हासिल लगेगा. तो 7 में 8 प्लस किया तो 15 का 5 अपन ने बॉक्सेस में लिखा, और कैरी फॉर ओवर क्या हुआ, 1. तो 1 में अब ये जो 1 आ रहा है ऊपर का जो कैरी ओवर है, उसको भी अपन को ऐड करना है 2 और 4 के साथ में. तो 2 और 4 को अपन ने प्लस किया तो 6, और 1 प्लस किया तो 7, तो ये हो गया 75. क्लियर है? ऐसे ही 6 में 8 प्लस करोगे तो 4, अब कैरी ओवर हुआ 1. अब 1 में 2 प्लस किया 3, और 1 प्लस किया 4. कैरी ओवर जो आपका नंबर है उसको भी आपको ऐड करना है. 7 में 5 प्लस किया तो 12 का 2 एंड कैरी ओवर आया 1. 1 में 5 प्लस किया 6, और 6 में 3 प्लस किया 9, 92. 5 में 6 प्लस किया 11 का 1 एंड कैरी ओवर 1. तो 1 में 4 प्लस किया 5, 6, एंड 2 में 8 प्लस किया तो 10 का 0, 1 कैरी ओवर. 3 में 1 प्लस किया 4 एंड 1 प्लस किया 5. क्लियर है? ये जो आपको नीचे के दिख रहे हैं सारे, आप खुद करना है आपको इसको. नेक्स्ट है फाइंड द सम. ये थ्री डिजिट नंबर वाले सिंपल एडिशन है. 3-digit नंबर्स है जो विदाउट कैरी है, इसमें कोई आपको कैरी नहीं लगानी है. क्लियर है? जैसे अब आपने 4, 0 है तो 4 का 4 एज इट इज आएगा, बताया था मैंने. 0 जब लिखते हैं एडिशन में तो एज इट इज नंबर लिखा जाता है. 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 1 प्लस किया 6. सिंपल एडिशन है, सिंपल ऐड करना है आपको नंबर्स को. ये 3-digit वाले हैं. 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 3 प्लस किया 8, 6 में 2 प्लस किया 8. अब 0 ऊपर है, 6 नीचे है, तो आपको 6 एज इज नंबर लिखना है. 3 में 5 प्लस किया 8, 3 में 4 प्लस किया 7, फिर 3 में 5 प्लस किया 8, 1 में 1 प्लस किया 2, 5 में 3 प्लस किया 8. अब 0 6 है तो 6 का एज इज लिखा जाएगा, 9 0 है तो 9 लिखा जाएगा, 3 में प्लस किया 4 तो 7. क्लियर है? ये भी सब आपको ही सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग नंबर्स. इनमें जो भी आपके नंबर्स मिसिंग हैं उनको आपको फिल करने हैं. अब आपके दे रखा है, जैसे 9 दे रखा है और ऊपर का बॉक्स आपका फिल करना है, तो ऊपर आ जाएगा 9, क्योंकि नीचे 9 है. तो 9 कोई संख्या होती तो अपन उसको ऐड करते, बट इसमें अभी 0 है तो 9 एज इट इज 9 का 9 ही आएगा. अब 1 दे रखा है और उसके नीचे वाला बॉक्स फिल करना है, तो उसमें आएगा 5, वही 1, और ये नीचे दे रखा है 6, तो 5 में 1, 1 में 5 ऐड किए तो 6 हुआ अपन को, 6 नीचे आया. अब नीचे दे रखा 1 और ऊपर का कॉलम है आपका खाली, उसको फिल करना है. तो 1 में 2 प्लस करोगे तो 3 हो जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट ऐसा है, 3 में 3 के नीचे बॉक्स खाली है, उसमें 2 ऐड किए तो 5 आ गया. अब 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा. जितने नंबर आपको नीचे दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऐड करने हैं. अब 1 है, 1 में 4 प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा. अब 2 है और ऊपर आपको फिल करना है, तो 4 में 2 प्लस किया तो 6. अब 4 है और यहाँ लिखा है 4, और 4 में 2 प्लस किया 6. अब 7 है, 7 में 1 प्लस करोगे 8,
सिक्स में थ्री प्लस करोगे नाइन, वन में सिक्स प्लस किया सेवन, सेवन में टू प्लस किया नाइन, एट में एट और मैं प्लस करेंगे ज़ीरो तो एट आएगा। अब फोर में थ्री प्लस किया तो सेवन। क्लियर है? नेक्स्ट है फाइंड द सम, वही है कैरी वाले हैं, ये थ्री डिजिट वाले कैरी है। पहले सिंपल एडिशन किया अपने थ्री डिजिट वाले, अब कैरी ओवर वाले डिजिट हैं। अब है नाइन, नाइन में थ्री प्लस करना है अपन को तो टेन इलेवन ट्वेल्थ टू वन कैरी ओवर, फिर वही है टू में फोर प्लस किया सिक्स और वन प्लस किया सेवन, फोर में वन प्लस किया फाइव। अब नाइन है, नाइन में सिक्स प्लस करोगे तो फिफ्टीन होएगा, फिफ्टीन का फाइव नीचे लिखोगे और वन कैरी ओवर होगा, फोर में वन प्लस किया फाइव और फाइव में वन प्लस किया सिक्स, थ्री में वन प्लस किया फोर, फाइव में सेवन प्लस किए तो ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू कैरी ओवर वन, फाइव में वन प्लस किया सिक्स, सिक्स में सेवन प्लस किया थर्टीन। अब थर्टीन में थ्री नीचे लिखोगे और वन कैरी ओवर होगा, टू डिजिट के नंबर आ रहे हैं वो कैरी ओवर होंगे और वन क्योंकि उसके आगे संख्या है, डिजिट है, नंबर है, अगर नहीं होगी तो एज इट इज आपको लिखी जाएगी, ऐसे कैसे आपको उस बॉक्स में फिल करनी होगी। वन में वन प्लस किया टू और वन में प्लस किया तो थ्री, टू में नाइन प्लस किया इलेवन, इलेवन का वन, वन कैरी ओवर। अब जीरो दे रखा है आपको, जीरो के ऊपर वन आपने कैरी ओवर किया है तो सिक्स में वन प्लस करना है तो सेवन और फोर में वन प्लस किया फाइव। अब ऐसे ही है थ्री, थ्री में सेवन प्लस किया तो टेन, टेन का वन कैरी ओवर और थ्री में थ्री प्लस करोगे सिक्स, टू एज इट इज़ लिखा जाएगा ज़ीरो है नीचे। क्लियर है? ऐड द मैच, नीचे वाला क्वेश्चन है आपका ऐड द मैच, ऐड करके इन जो ये आप लॉक्स दिख रहे हैं इनमें आपको मैच करना, ये डिजिट नंबर्स भी लिखे हुए हैं इसके अकॉर्डिंगली। जैसे नाइन में फाइव प्लस किया फोर, फोर्टीन, फोर्टीन का फोर वन कैरी, सेवन एट नाइन टेन, टेन का ज़ीरो वन कैरी, फाइव सिक्स सेवन, सेवन ज़ीरो फोर, एट नाइन, एट नाइन को प्लस ऐड करेंगे तो सेवनटीन, सेवन का वन, सेवन नीचे लिखेंगे वन कैरी ओवर हो जाएगा एट और टू में सिक्स प्लस किया एट तो एट एट सेवन, एट में सिक्स प्लस किया फोर्टीन, फोर्टीन का फोर वन कैरी ओवर, टू में वन प्लस किया थ्री, टू में सिक्स प्लस किया एट तो एट थर्टी फोर। अब एट सेवन में प्लस किया तो फिफ्टीन, फिफ्टीन में का फाइव और वन कैरी ओवर, सेवन में सेवन प्लस किए फोर्टीन, फोर्टीन में वन प्लस किया तो फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव वन कैरी ओवर। अब फाइव में वन प्लस किया सिक्स सेवन तो सेवन फिफ्टी फाइव। फिर इसके अकॉर्डिंगली आपको इसको मैच करना है इन नंबर्स के अकॉर्डिंग जो अपने पास नंबर्स अपन ने ऐड किए वो, जैसे सेवन जीरो फोर है तो थर्ड नंबर के लॉक को अपन मैच कर देंगे, एट एट सेवन है तो फर्स्ट नंबर के लॉक को मैच कर देंगे, एट थर्टी फोर है तो लास्ट के जो फोर्थ नंबर का उसको मैच कर देंगे, सेवन फिफ्टी फाइव है तो सेकेंड नंबर के लॉक को मैच कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है एडिटिंग थ्री नंबर्स, मतलब ये जो थ्री नंबर्स दे रखे हैं इनको एडिंग करना है थ्री नंबर्स को। अब जैसे जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही करना है, जहाँ पर टू कर रहे थे अब थ्री करेंगे नंबर्स को। तो सेवन में नाइन प्लस किया टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सिक्सटीन में सिक्स प्लस किया एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, तो ट्वेंटी टू का टू नीचे लिखेंगे और टू कैरी ओवर होगा, तो एट में टू प्लस किया टेन, टेन में टू प्लस किया ट्वेल्व, ट्वेल्व में वन प्लस किया थर्टीन। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो एज इट इज थर्टीन लिखा जाएगा, टू डिजिट पूरा। अब नेक्स्ट है थ्री में फोर प्लस किया तो सेवन, सेवन में एट प्लस किया तो फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव वन कैरी ओवर, सिक्स सेवन एट नाइन, टू में वन प्लस किया थ्री, थ्री में नाइन प्लस किया ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू वन कैरी ओवर, एट और एट सिक्सटीन और सिक्स को प्लस किया तो ट्वेंटी टू, तो ये ट्वेंटी टू एज इट इज़ लिखा जाएगा। ऐसे ही एट सिक्स टू, टेन सिक्सटीन का सिक्स वन कैरी ओवर, थ्री थ्री सिक्स सेवन एट, ऐसे ही आपको फोर एट फाइव तो सेवनटीन, सेवन का नीचे लिखा वन कैरी ओवर किया, फोर फाइव सिक्स सेवन एट। क्लियर है? आगे के ये जो आपको हैं फिल करने हैं, ऐड
ऐड करने हैं। नेक्स्ट है आपका एस्टीमेट द सम। एस्टीमेट द सम होता है, अपन जैसे कोई भी एस्टीमेट लगा लेते हैं, अराउंड तक हो जाते हैं, लगभग। एस्टीमेट का मतलब लगभग, अनुमान लगा लेते हैं ना वो। तो जैसे ये देखा एग्जांपल, देखो ये 7-8 है, तो इसको अपन ने 80 अराउंड मान लिया भाई, 80 अराउंड मान लिया, और 81 को भी 80 मान लिया अराउंड, क्योंकि वो आगे। तो इसको जैसे 8 में 1 प्लस किया 9 और 7 में 8 प्लस किया 15, तो 160 हो गया, अराउंड 160 हो गया। ऐसे ही आपको ये आगे की करने हैं। जैसे 67 है, इसको आप अराउंड मतलब एस्टीमेट मान लो 70 का, और 90 को मान लो 20 का, इनको प्लस कर लो भाई 67 और 19 को प्लस किया तो 86 आया, और 7 और 20 को प्लस किया तो 90 आया। अराउंड मानना है अपन को, लगभग अनुमान लगाना है कि यहाँ तक एस्टीमेट हो जाएगा अपना। ऐसे 9 में 1 प्लस किया 10 का 1 कैरी, 100 हो गया। ऐसे 89 को 90 अपन ने एस्टीमेट लगा लिया, और 11 का 10 लगा लिया तो 100 हो गया। 79 और 32 उसको भी ऐसे करा, 79 को 80 अपन ने एस्टीमेट लगाया और 32 का 30 लगाया, तो इसमें हो गया 11111 हो गया इसमें, और इसमें अपन ने एस्टीमेट लगा लिया 110 का। ऐसे 52 को 50 मान लिया एस्टीमेट अपन ने, और 33 का 40 मान लिया। तो ये 85 को इसको प्लस करने के बाद 85 का अपन ने एस्टीमेट लगा लिया 90। क्लियर है ना। 97 को अपन ने अबाव मतलब 100 एस्टीमेट लगा लिया उसका, कि मैं 97 को अनुमान लगा लिया कि 100 तक, और 12 को लगा लिया 10, तो इनको प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है और इसको भी प्लस, तो आपका जो भी एस्टीमेट होगा वो इसमें आ जाएगा। अब 77 को 80 एस्टीमेट लगा लिया और 29 30 लगा लिया, इसको प्लस किया 106 आया, इसको प्लस किया 110 आया। 48 को 50 अराउंड लगा लिया और 29 को 30, इसको आया 77 और इसको लगाया 88। 55 का 50, 25 को 30, 80 आया इसका, इसका भी 80 आया अराउंड। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके स्टेटमेंट सम। स्टेटमेंट सम होते हैं, वही वर्ड प्रॉब्लम होती है अपनी, इनमें वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, सम होते हैं जो अपन इसको सॉल्व करेंगे। ए है आपका इन अ ऑर्चर्ड देयर आर 82 मैंगो ट्री एंड 40 एप्पल्स ट्री, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन ऑल। एक बगीचे में 82 मैंगो है, मैंगो ट्री हैं, और 40 एप्पल ट्री हैं, ठीक है ना। 82 ऊपर लिख लिया और 40 इसके नीचे कर लिया, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है। तो अराउंड हाउ मैनी ट्री आर देयर इन ऑल, तो 122 दोनों में आ जाएगा। इन अ गार्डन देयर आर 140 रोज प्लांट एंड 152 जास्मीन प्लांट्स, हाउ मैनी प्लांट्स आर देयर इन ऑल। तो ये इसको आपको 140 लिखना है, वही 3 डिजिट में है ये, और 152 फिर इनको प्लस करना है, तो 292 देयर इन ऑल प्लांट्स आ जाएगा। एक गार्डन है, उसके अंदर 140 तो रोज़ के गुलाब के पौधे हैं और 152 जासमीन के पौधे, तो ये कितने हो गए, 292 पूरे उसमें गार्डन में कितने हो गए, 292 पौधे हो गए दोनों को मिलाकर। अब इन अ शॉप देयर आर 65 रेड काइट्स एंड 230 ग्रीन काइट्स, हाउ मैनी काइट्स आर इन ऑल। एक शॉप में 65 तो रेड काइट्स है और 230 ग्रीन काइट्स है, पतंग होती है, उन दोनों को प्लस करना है आपने। 65 ऊपर लिखेंगे, टी में लिखेंगे 6 और वंस में लिखेंगे 5, और 230 लिखेंगे नीचे, 2 को लिखेंगे 100 में एच में, और टी को लिखेंगे 3 और ओ में लिखेंगे अपन 0, इनको प्लस करेंगे तो 295 पूरा आ जाएगा, इनको प्लस करने पर 295 आ जाएगा। क्लियर है। इन आ किचन देयर आर 90 स्पून्स, 405 ग्लासेस एंड 120 प्लेट्स, हाउ मैनी स्टिल और देयर इन ऑल। वही करना है जो मैंने ऊपर बताया आपको, टी में लिखना है 9 और वंस में लिखना है 0, और 405 को लिखना है आपको एच टी ओ में,
और 120 को भी आपको HTO पूरे में लिखना है, तो ये आ जाएगा 615, इनको ऐड करेंगे तो 615 आ जाएगा। क्लियर है? थैंक यू बच्चों, मैं आपको वर्कशीट PDF के द्वारा भेज दूँगी जो कि आपको करनी है।